राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या वो तुमने किया है? क्या उसे कोल्ड स्टोरेज में तुमने बंद किया था? क्या ये पैसे लेकर इसी वजह से तुम दोनों ये घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे? वंडरफुल, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरा शक बिल्कुल सही है। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और सही है कि नहीं दीदी? बस अभी थोड़ी देर में राधा और मोहन आने वाले हैं। आने के बाद राधा खुद बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। उसके बाद मुझसे, मोहन से और पुलिस से आप दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। आ गई हमारी बहू राधा। बाहर चले? चले जी मां। रुको, एक मिनट, एक मिनट। क्या हो गया मोहन जी? मोहन जी, कहीं आप हमें फिर से घर घर के बाहर भेजने का इरादा तो नहीं रख रहे ना? मतलब तुम्हारे पाव को ना बांध कर कमरे में बंद कर देंगे तुम्हें। घर के बाहर भेजेंगे तुम्हें? अरे घर के अंदर घुस रही हो तुम, वो गृह प्रवेश होना चाहिए कि नहीं? अजीत वो, हाँ हम बहुत चोट का कर रहे हैं, बहुत चोट लगी है हमें। देखे आप वो लोटा फिर से फुटबॉल की तरह में मारने का सोच रहे हैं क्या? लोटा अरे लोटा को लात मारने के लिए लात की जरूरत पड़ती है ना, जब लात ही काम नहीं कर रहे तो लोटे का क्या करें? सर इंतजार कीजिए ना, आ रहे हैं। मतलब मारेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मारेंगे। लो आ गया।
बाबा ये पूरा का पूरा पत्थर ही हमारे माथे पे फोड़ेंगे। तुम बख्श तो की हमें, हैं? पूरे बॉडी पर चोट लगी है लेकिन मुंह चलना बंद नहीं हुआ तुम्हारा। अब लाए जा रहे हैं इनके बाद एक। अरे पत्थर पे पैर रखेंगे या सर मारेंगे? मोहन। हाँ माँ। क्या माँ जी? राधा, पिछली बार जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने सबके सामने तुम्हारा अपमान किया था। उसी के लिए सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूं मैं। नहीं, सही है, जो सही है वो बोलने दीजिए। आज पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। आइडिया भी नहीं है तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुमने हम सबकी जिंदगी बदल दी है राधा, सच में। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट भी आएगी। तुम्हारी वजह से गुनगुन मुझे पिता बुलाने लगी है, पिता मानती है वो मुझे। तुम्हारी वजह से केतकी ने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया है। और क्या क्या नहीं किया तुमने हमारे लिए। लोग तो घर में देवी देवता के पैर के निशान रखते हैं ना। लेकिन मेरे लिए तो देवी तुम ही हो। तुम्हारे पैर के निशान मैं अब संभाल कर रहूंगा। चलो अब निशान दो, दाहिना पैर दबा दो इस मिट्टी में। एक मिनट मोहन जी। वो क्या हुआ मोहन जी? हमने इस घर में दो बहुत बड़े उद्देश्य से आए थे। एक
आपके लिए और दूसरा गुनगुन के लिए। हमने जो कुछ भी किया है, अगर आप दोनों हमारे साथ नहीं होते तो वो हम कभी नहीं कर पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम गृह प्रवेश आप दोनों के साथ ही करें। और वैसे भी राधा मोहन के बगैर अधूरी है। फिर देर किस बात की, कर लेते हैं ना ये। चले गिनती दू? एक टू एक, एक टू दो और एक टू तीन। संभल कर। मैंने तुम्हें इतनी सारी चोटें दी हैं ना कि उसका हिसाब मेरे पास भी नहीं है। और आपने हमसे जितना प्रेम किया है ना मोहन जी, उसका हिसाब हमारे पास नहीं है। अगर रोमांटिक सीन खत्म हो गया हो तो प्लीज अंदर चले। गुनगुन। हाँ वो चलो ना आप। ये बात आराम से दुलारी जरा एसी ऑन कर रहा हम। अरे नहीं, तुम्हें तो ठंड लगेगी। नहीं दुलारी, एक काम करो, अगर एसी ऑन है ना तो उसे ऑफ कर देना, और पानी ले आओ, खाना ले आओ, गरम गरम दूध ले आओ, और राधा की दवाई आज जरूर लाना। चलिए गो एंड कम। ये जो इतना प्यार राधा को मिल रहा है ना मम्मा, इस पर सिर्फ मेरा हक है। चाहे जो भी हो जाए, 19 तारीख के बाद सब बदलने ही वाला है। 19 तुम्हारी खुशियों की आखिरी डेट होगी। वो सब तो 19 को का बिटिया, अगर अभी इसने सच बोलिया तो हमारा सब कुछ चेंज आएगा। पहले गांव में मोहन मारेगा, उसके बाद
पुलिस हमें डंडे मारेगी और हम दोनों जिंदगी भर जेल में अपने तलिए रहते रह जाएंगे। अब तो भागने का मौका भी नहीं बचा है बेटा, क्या करें? अरे मोहन जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम ठीक हैं। अरे परेशान थोड़ी ना हो रहे हैं, बस तुम सारी रात उस डीप फ्रीजर के अंदर थी, मतलब मैं कितनी ठंड लगी होगी तुम्हें, सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही है। ठंड तो थी वहां, पर आप सबके प्रेम की गर्माहट भी तो थी ना। हमारे प्यार की या फिर किसी स्पेशल की? हाँ स्पेशल प्लीज केतकी। सुनो ना राधा, वो वैसे मैं जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, एंड आई एम श्योर तुम अभी भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए हो तो तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहोगी, पर मेरा जानना जरूरी है कि तुम वहां पहुंची कैसे।